सुप्रभात हिमाचल। तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉनस्टॉप ताज़ा खबरों के इस सिलसिले। हिमाचल में 10 किलोमीटर तक 5 से 10 किलो सामान पहुंचाएगा ड्रोन, 6 कंपनियां सूचीबद्ध। हिमाचल प्रदेश में जल्द ही ड्रोन से 10 किलोमीटर तक 5 से 10 किलोग्राम का सामान पहुंचाने का काम शुरू होगा। हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ने राज्य में ड्रोन सुविधाएं देने के लिए 6 कंपनियों को सूचीबद्ध किया है। बारिश बर्फबारी में संपर्क कटने वाले क्षेत्रों में ड्रोन से दवाइयों और राशन की भी सप्लाई की जाएगी। जमीन से 4000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन एक बार में 40 मिनट तक का सफर तय करेंगे। देश भर के 75 उत्कृष्ट नगर निकायों में हिमाचल का नगर निगम मंडी भी शामिल। हिमाचल प्रदेश के नगर निगम मंडी को सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले देश भर के 75 नगर निकायों में शामिल किया गया है। कोविड काल में ठप हुए रेहड़ी फहड़ी धारकों के कारोबार को दोबारा जीवित करने के लिए निगम द्वारा बहुत ही कम समय पर चरणबद्ध तरीके से 10,000, 20,000 व 50,000 रुपये का बिना सिक्योरिटी ऋण दिया गया था। यूं तो यह योजना देश भर के समस्त नगरों, कस्बों व प्रदेश के समस्त नगर निकायों में चलाई गई थी, लेकिन मंडी नगर निगम की टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रदेश भर में बाजी मार ली। औषधीय पौधों की खुशबू से महकेंगे हिमाचल के सरकारी स्कूल और कॉलेज। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों और महाविद्यालयों में अब औषधीय पौधों की खुशबू महकेगी, वातावरण भी सुगंधित होगा। इसके लिए आयुष विभाग ने 200 सरकारी स्कूलों और 50 महाविद्यालयों में जल्द ही आयुष गार्डन स्थापित करने की योजना तैयार की है। जलवायु के आधार पर करीब 30 प्रजातियों के औषधीय पौधे आयुष गार्डन में लगाए जाएंगे। वहीं करीब 1,00,000 औषधीय पौधे सरकारी स्कूलों और महाविद्यालयों में रोपे जाएंगे। डीजीपी संजय कुंडू बोले, पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में अभी होंगी और गिरफ्तारियां। डीजीपी संजय कुंडू ने कहा कि पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में जल्द कुछ और गिरफ्तारियां होंगी। इस मामले से जुड़े किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। करीब 10 से 15 और आरोपी इसमें शामिल हैं। यह बात उन्होंने सोलन में निर्माणाधीन एसपी आवास के निरीक्षण के दौरान कही। उन्होंने बताया कि इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एसआईटी की जांच के बोर्ड ऑफ इंक्वायरी भी शुरू कर दी गई है। हिमाचल के कुल्लू में पहली बार होगा एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप का रोमांच। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले में पहली बार ब्यास की लहरों पर एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप होगी। इसका आयोजन 16 सितंबर से 25 सितंबर तक किया जाएगा। यह चैंपियनशिप विश्व राफ्टिंग और इंडियन राफ्टिंग फेडरेशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की जाएगी। इसमें एशियाई देशों की 25 टीमें भाग लेंगी। इनमें एक टीम हिमाचल प्रदेश की भी होगी। टीमों में पुरुष और महिला प्रतिभागी शामिल होंगी। विधानसभा का घेराव करेंगे छात्र बेरोजगार। एसएफआई वो डीवाईएफआई 12 अगस्त को विधानसभा का घेराव करेगी। बेरोजगारी व भर्ती प्रक्रिया में राजनीतिक भ्रष्टाचार व भेदभाव से आहत होकर यह कदम उठाए जाएंगे। इस संबंध में एसएफआई व डीवाईएफआई ने शिमला में आगामी 12 अगस्त को प्रदेश विधानसभा घेराव की रणनीति के बारे में जानकारी दी है। इसमें प्रदेश में 3 अलग अलग जत्थों के माध्यम से आम जनता, छात्र व नौजवानों को लामबंद करते हुए प्रदेश विधानसभा के बाहर विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। पहला जत्था प्रदेश की राजधानी शिमला, दूसरा जत्था मंडी जिला तथा तीसरा जत्था जिला चंबा से 3 अगस्त को रवाना होगा। हिमाचल में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, बरसात से 32 सड़कें बंद, 26 पेयजल योजनाएं प्रभावित।
हिमाचल प्रदेश में पिछले कल मानसून का असर कम रहा, भुंतर और हमीरपुर में ही बादल बरसे हैं। इसके अलावा राजधानी शिमला सहित कुछ क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी हुई है। शुक्रवार रात को कई जिलों में बादल झमाझम बरसे। ऊना में अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। शनिवार शाम तक प्रदेश में 32 सड़कें बंद रहीं। 6 बिजली ट्रांसफार्मर और 26 पेयजल योजनाएं ठप रहीं। आज भी प्रदेश में बारिश होने के आसार हैं। इसके अलावा प्रदेश में 20 जुलाई को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। सड़क सुरक्षा परिषद बैठक, हिमाचल डीजीपी कुंडू ने मंत्री के सामने ही सड़कों की खराब हालत पर पीडब्ल्यूडी को सुनाई खरी खरी। हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डीजीपी संजय कुंडू ने प्रदेश की सड़कों की खराब हालत पर लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी को खरी खरी सुनाई है। परिवहन विकास एवं सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2% सड़कों पर भी क्रैश बैरियर नहीं लगे हैं, इससे रोजाना सड़क हादसों में कई जाने जा रही हैं। वहीं कुंडू ने कहा कि 30 सालों में सड़क सुरक्षा में सुधार नहीं हो पाया है। सड़क हादसों की खबरें राष्ट्रीय मीडिया में सुर्खियाँ बन रही हैं। इसके अलावा कुंडू ने कहा कि सड़क किनारे क्रैश बैरियर न होने से बीते 5 सालों में 3000 से अधिक दुर्घटनाओं में 2600 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में सड़कों की लंबाई 38,035 किलोमीटर है और सिर्फ 520 किलोमीटर पर क्रैश बैरियर है। बस स्टैंड नाहन पर एक बार फिर गरजे कंडक्टर। हिमाचल पथ परिवहन निगम परिचालक वर्ग पिछले लगभग 19 दिनों के गेट मीटिंग, धरना प्रदर्शन व नारेबाजी के बाद अब भूख हड़ताल की ओर बढ़ गया है। HRTC नाहन डिपो परिचालक वर्ग ने शनिवार यानी पिछले कल अपनी एक ही मांग, एक ही नारा, कलर के बराबर हो वेतनमान हमारा के तहत अंतर्राज्यीय बस अड्डा नाहन में नारेबाजी की। HPU में कम की जाए रीअपेयर एग्जाम फीस, SFI ने डीन ऑफ स्टडीज को सौंपा ज्ञापन। SFI विश्वविद्यालय इकाई ने रीअपेयर एग्जामिनेशन फीस को कम करने व MA अंग्रेजी के एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट घोषित करने एवं विश्वविद्यालय के विभिन्न चेयर्स को मर्ज करके डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी खोलने की मांग को लेकर विश्वविद्यालय डीन ऑफ स्टडीज को ज्ञापन सौंपा। SFI ने कहा है कि PG में रीअपेयर एग्जाम की फीस 501 पेपर के लिए होती है, जबकि फ्रेश एग्जाम फीस 1,000 से 2,000 रुपये होती है। अगर किसी छात्र की 4 रीअपेयर आती हैं तो 500 के हिसाब से छात्र को 2,000 फीस देनी पड़ती है, जो कि फ्रेश एग्जाम फीस से लगभग दोगुनी हो जाती है। इस तरह छात्र पर काफ़ी ज़्यादा आर्थिक दबाव पड़ रहा है। हिमाचल के 20,000 आउटसोर्स कर्मचारियों को जल्द मिलेगा नीति का तोहफा, कैबिनेट उप समिति की बैठक में फैसला। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में वर्षों से सेवाएं दे रहे 20,000 आउटसोर्स कर्मियों को सरकार जल्द राहत देने की तैयारी में है। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की आगामी बैठक में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति लाई जा रही है। इस नीति के लागू होने से आउटसोर्स कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित किया जाएगा। तो ये हैं आज सुबह के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।